फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे इज़ारम के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म और हैवेज के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हम इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि इनका कैसे यूज करना है। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड हम सिर्फ उस तरह के सेंटेंसेस देखेंगे जो हमारे घरों में बोली जाती है, यानी उस तरह के सेंटेंसेस जो अक्सर हमें अपने घर पर सुनने को मिलता है या बोलना पड़ता है। तो आइए फ्रेंड्स, इस दोनों टॉपिक को शानदार तरीके से समझें और कुछ डेली यूज्ड होने वाले सेंटेंसेस देखें। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम कहते हैं कि कोई काम चल रहा है या कोई काम प्रोसेस में है या कोई काम जारी है। लेकिन फ्रेंड्स, हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हुए ये नहीं कहते हैं कि इस काम को करने वाला कौन है या इस काम को अंजाम देने वाला कौन है, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये काम चल रहा है। कौन कर रहा है, इस बात की कोई मेंशन नहीं की जाती है या इस बात का मेंशन करना जरूरी नहीं समझा जाता है। जैसे कमरे की सफाई की जा रही है, नाश्ता पकाया जा रहा है, बच्चों का टिफिन तैयार किया जा रहा है, कपड़े को प्रेस किया जा रहा है, बरामदे को धुलाई किया जा रहा है, फूलों में पानी डाला जा रहा है, बर्तन धुला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं कि कोई काम किया जा रहा है, कौन कर रहा है नो मैटर, लेकिन इस काम को किया जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि फूलों में पानी डाला जा रहा है तो आप कहेंगे द फ्लावर्स आर बीइंग वाटर्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो नाश्ता पकाया जा रहा है तो आप कहेंगे द ब्रेकफास्ट इज बीइंग कुक्ड। अगर आपको कहना हो कमरे की धुलाई की जा रही है तो आप कहेंगे द रूम इज बीइंग वॉश्ड। अगर आपको कहना हो बारांदे को पोछा लगाया जा रहा है तो आप कहेंगे द बारांदा इज बीइंग वाइप्ड आउट। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो किचन को झाड़ू दिया जा रहा है या किचन में झाड़ू लगाया जा रहा है तो आप कहेंगे द किचन इज बीइंग मूव्ड। अगर आपको कहना हो चाय बनाया जा रहा है तो आप कहेंगे टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि दूध उबाला जा रहा है तो आप कहेंगे मिल्क इज बीइंग बॉइल्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कपड़ा प्रेस किया जा रहा है तो आप कहेंगे द क्लॉथ इज बीइंग आयरन्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने सीखा कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ हम कहते हैं कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जहां हमारा स्ट्रक्चर होगा हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। यानी यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि कोई काम हो रहा है, बल्कि हम ये कहेंगे कि कोई काम हो गया है। जैसे अभी तक हमने सीखा कि नाश्ता पकाया जा रहा है, द ब्रेकफास्ट इज बीइंग कुक्ड, यानी ये काम प्रोसेस में है। लेकिन अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर हमें कहना हो नाश्ता पकाया जा चुका है, यानी ये काम कर दिया गया है, ये काम अब रेडी है, तो आप कैसे बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो नाश्ता तैयार कर दिया गया है तो आप कहेंगे द ब्रेकफास्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो चाय टेबल पर रख दी गई है तो आप कहेंगे टी हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो इस कमरे की धुलाई कर दी गई है तो आप कहेंगे दिस रूम हैज बीन वॉश्ड। अगर आपको कहना हो टिफिन तैयार कर दिया गया है तो आप कहेंगे टिफिन हैज बीन प्रिपेयर्ड या टिफिन हैज बीन पैक्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो फीस जमा कर दिया गया है तो आप कहेंगे फीस हैव बीन पेड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो दूध वाले को पैसा दे दिया गया है तो आप कहेंगे द मिल्क मैन हैज बीन पेड या द मिल्क मैन हैज बीन गिवन मनी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मोटर चला दिया गया है तो आप कहेंगे द मोटर हैज बीन स्विच्ड ऑन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो गीजर बंद कर दिया गया है तो आप कहेंगे द गीजर हैज बीन स्विच्ड ऑफ, यानी गीजर को स्विच्ड ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ये सभी सेंटेंस पैसिव के हैं जहां ये बताया गया कि कोई काम कर दिया गया है या कोई काम किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं पैसिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट पर जोर नहीं दिया जाता है, उस काम को कौन कर रहा है इस बात पर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि इस बात पर फोकस करते हैं कि ये काम हुआ या नहीं, यानी हम एक्शन पर फोकस करते हैं न कि एक्शन करने वाला पर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह सभी सेंटेंसेज आपको बहुत पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।